गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जबलपुर, विदिशा, छिंदवाड़ा, बड़वानी, हरदा, नीमच, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जो क्लास में नहीं है वो भी आ सकते हैं, तो अगर आप खबर देना चाहें। हम आज रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं और एमए सेमेस्टर दो जो है रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, इसमें पाठ्यक्रम की रूपरेखा और पहली इकाई में कुछ चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, पहला यूनिट, इसमें रिसर्च के मायने क्या है, उससे उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रिसर्च क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान जो है शोध वो क्या होता है, उसकी डिजाइन कैसी होती है। रिसर्च करने के पहले हमें डिजाइन लेआउट करनी पड़ती है कि अगर हम सैंपल का चयन कर रहे हैं, सैंपल विधि अपना रहे हैं, तो वो सैंपल कितने तरह के होंगे और क्यों होंगे, तो उसका हम एक डिजाइन का प्रारूप भी तैयार करते हैं। सैंपलिंग टेक्निक्स कौन सी होंगी और टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, ये पहला यूनिट है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा यूनिट जो है वो टाइम सीरीज से संबंधित है, यानी काल श्रेणी जो होता है, जहां पर वेरिएबल्स को, जो स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम समय के आधार पर एकत्रित करते हैं। तो जो भी समंक और डेटा हम एकत्रित करने जा रहे हैं वहां पर समय की भूमिका सबसे अहम होती है, यानी समयानुसार, जैसे 1991 में क्या था और आज क्या स्थिति है। तो हम 10 साल का अगर डेटा लें तो हर साल का डेटा, तो वो हम बोलेंगे उसको काल श्रेणी। तो जो समय से संबंधित जो डेटा है, जो समंक है, उनका एकत्रण, उनके बारे में, उसको उसके कैसे उसको मेजरमेंट किया जा सकता है, उनके कौन से सिद्धांत हैं, वो सारी चीजें इसमें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इसमें दो तरह के मेथड है, सेमी एवरेज एंड मूविंग एवरेज मेथड एंड ली स्क्वायर मेथड, इनके सिद्धांतों को भी सेकेंड यूनिट में इंक्लूड किया गया है। तीसरा जो यूनिट है इसमें वो है प्रायिकता से संबंधित, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज की होने की, किसी घटना की होने की संभावना क्या है, कितनी है। जैसे सिक्के का बारे में आपने सुना होगा, उछालते हैं तो हेड और टेल, चित और पट आने की जो संभावना है वो 1/2 होती है, क्योंकि उसके दो ही पहलू है। इसी तरह डाइस का होता है, उसकी 6 faces होते हैं तो वो 6 में डिवाइड करते हैं। तो किसी भी इवेंट घटना की होने की प्रायिकता जो होती है, उसकी बहुत सारे सिद्धांत और उसके समीकरण थ्योरम्स दिए गए हैं। उन सिद्धांत को, ये वो सारे मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स क्या हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी डेफिनेशन, परिभाषा और उनका कैलकुलेशन भी, कि हम इन प्रायिकताओं को निकालें कैसे, उनका हम गणना कैसे करें। उसमें एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो बहुत प्रचलित है, शायद स्कूल्स में भी जिन लोगों ने 12वीं तक पढ़ा होगा उनको पता होगा। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, या प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है उसके बारे में, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मली, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पॉइजन, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं प्रोबेबिलिटी के, लेकिन जो मुख्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये तीन है, नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कहते हैं पॉइजन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण क्या है, प्रायिकता के वितरण कौन से हैं। इसके बाद अगला यूनिट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है, चौथा यूनिट, कि एक हाइपोथेसिस परिकल्पना कैसे बनानी। तो जब हम कभी भी कोई रिसर्च या अन्वेषण या अनुसंधान या शोध करने जाते हैं तो हमारा प्रश्न क्या है, हम किस समस्या को खोजने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, या उसका समाधान करने जा रहे हैं, या उसका उत्तर खोजने जा रहे हैं, तो हम एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, किन्हीं अजम्पशंस के तहत कुछ मान्यताओं को हम अपना ले लेते हैं, हम मानकर कुछ चीजें चलते हैं कि ये ऐसा होगा, अगर हम ये खोज करेंगे तो हमें जो निष्कर्ष है, रिजल्ट है, वो हमें लगभग या इस तरह का मिलने वाला है। तो वो क्या होगी, हाइपोथेसिस कैसी होगी, वो परिकल्पना कैसी होगी, इसको हम उपकल्पना भी कहते हैं, और उसका टेस्टिंग करते हैं। तो हम विभिन्न स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के सहारे, जो भी सांख्यिकी विधियां हैं, मीन, मोड, मीडियन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इसके अलावा और भी टेस्ट जो होते हैं, उन टेस्ट से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट, तो जितने टेस्ट हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, प्रोबेबिलिटी टेस्ट और पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बहुत सारे के सांख्यिकी टेस्ट हैं, जिनसे हम अपनी परिकल्पना जो हम लेकर चल रहे हैं, हम पहले व्याख्या करें अपनी समस्या की, फिर उसको परिभाषित करते हैं, और फिर हम एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है वो ऐसा होगा। मान लीजिए कि वर्चुअल क्लास है,
वर्चुअल क्लास में बच्चों की स्थिति ये बताती है, ज्यादा स्थिति होने से उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा, ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे, और वर्चुअल क्लास का न होना उनके रिजल्ट को कम कर सकता है। तो हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि क्या वर्चुअल क्लास के होने से बच्चों की परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होती है। ये एक हाइपोथेसिस होगी, ये एक परिकल्पना होगी। इस परिकल्पना को हम टेस्ट करते हैं, फिर हम समंगीकृत करते हैं। मान लीजिए छिंदवाड़ा से, राजगढ़ से, हरदा से, नीमच से, जबलपुर से हम बच्चों का देखते हैं कि कितने बच्चों ने वर्चुअल क्लासेस अटेंड की है और क्या उनके परफॉर्मेंस। तो हम उसको सिद्ध करने के लिए जब समंक लगाते हैं, एकत्रित करते हैं, सर्वे करेंगे और फिर हम उस पर टेस्ट करेंगे और देखेंगे टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या, उसमें जो मीन निकालेंगे वो ज्यादा है, कम है, उसके तरीके हैं। तो हम ये बताएंगे कि हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हमने जो ये परिकल्पना लेकर चले हैं कि वर्चुअल क्लास वाकई में बच्चों के ज्ञान में इजाफा करती है, बढ़ोतरी करती है, साथ साथ वो उनको और अधिक मजबूत बनाती है, इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को भी देती है। ये अगर हमारी परिकल्पना है तो क्या ये परिकल्पना सही हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमारा टेस्ट हमको बताएगा, उसका रिजल्ट हमें बताएगा। तो ये टेस्ट इसमें आते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है उसमें काई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट और अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरियंस कहते हैं, ये इसमें टेबल बनाई जाती है और ये बड़े टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट का ज्यादातर इस्तेमाल साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी होता है और इसके अलावा क्लिनिकल स्टडीज में होता है, जिसमें मेडिकल साइंसेज में इसका इस्तेमाल होता है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में तो इसका इस्तेमाल होता है। पहला यूनिट हम शुरू करते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च से। रिसर्च के क्या मायने हैं, रिसर्च से क्या मतलब है। ऐसा वर्ड है रिसर्च, सर्च प्लस आर ई, आगे आर ई लगा है, री, री मतलब किसी चीज का फिर से होना, यानी कि जो चीज हो चुकी है कहीं ना कहीं हम उसकी फिर से पुनरावृत्ति या उसकी फिर से खोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्लैनेट पर शायद जिसका ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, और सबसे ज्यादा डेवलप होने के कारण वो एक जिज्ञासु प्राणी है, वो हर वक्त किसी न किसी चीज की जिज्ञासाओं में लगा रहता है। अब कल जैसे पानी बरसा तो आप अपने कमरे में अगर लेटे हो आपको नहीं पता पड़ा, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आई, आप उठकर गए बाहर देखा तो आपने खुद से ये जिज्ञासा शांत की कि हाँ पानी बरस रहा है। आपके कमरे में कोई आया उससे आपने पूछा कि क्या पानी बरस रहा है, दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका कोई बाहर से ही आ रहा है उससे आप पूछ रहे हैं कि क्या पानी बरस रहा है, या आप किसी और सहारा ले रहे हैं बैठकर देख रहे हैं। तो ये तरीके हो सकते हैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के। तो आपने ये जिज्ञासा कैसे आप इसको करेंगे या कैसे शोध करेंगे, ये रिसर्च होता है, यही अनुसंधान होता है, यही शोध होता है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें दी हुई है, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए किसी भी क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में हो, समाजशास्त्र में हो, राजनीति शास्त्र में हो, मनोविज्ञान में, बहुत सारे सिद्धांत थ्योरीज दी हुई, मार्क्स की थ्योरी है, स्पेंसर्स की थ्योरी है, वेबर की थ्योरी है सोशियोलॉजी में। तो ये सारे जो सिद्धांत है वो बड़े बड़े सिद्धांत है जो बहुत सारी खोज के बाद दिए गए। तो ये जो है वो एक खोज का विषय है। तो खोज एक अलग चीज होती है, इन्वेंशन एक अलग चीज होती है, नव प्रवर्तन या इनोवेशन एक अलग चीज होती है। रिसर्च क्या है, रिसर्च में कहीं ना कहीं इन सब चीजों का समावेश होता है। रिसर्च हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक ऐसी खोज है जहां पर हम अपने उत्तरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम अपने प्रश्न जो है उनसे पूछते हैं, उनके सवाल जो है उनके उत्तर खोजने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और विभिन्न साइंसेज में, आर्ट के फील्ड में, विभिन्न ह्यूमैनिटीज के सेक्टर में अलग अलग तरीके से हम अनुसंधान और रिसर्च करके इसको करते हैं। तो रिसर्च रिलेट्स टू अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि हम एक विशिष्ट तथ्यों को एकत्रित करके वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से किसी एक विशिष्ट एरिया में जानकारी हासिल करने की। डिक्शनरी के अनुसार ज्ञान किसी भी शाखा में नए तथ्यों द्वारा ध्यानपूर्वक खोज अथवा जांच शोध कहलाती है। इसमें ध्यानपूर्वक शब्द का यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने कोई सेंटेंस दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि अरे डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा हुआ तो इस किस आधार पर हमने इस बात को कहा, या बहुत खराब हुआ किस आधार पर हम कह रहे हैं। तो जब तक हमने उसकी कोई रिसर्च नहीं की, खोज नहीं की, कुछ आंकड़े इकट्ठे नहीं किए, पत्रिकाओं से पढ़ा, देखा लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों से जाके पूछा और फिर इस बात को कहा, तब हम तथ्य परात्मक बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें केयरफुल इन्वेस्टिगेशन स्टडी कर
आप अपनी बात को मजबूती से कहते हैं उसी को रिसर्च कहा जाता है। तो इंग्लिश में डिक्शनरी में इंग्लिश में डेफिनेशन है जो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, किसी भी क्षेत्र में इसको हम रिसर्च कहते हैं। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रयास है। यहाँ व्यवस्थित इंपॉर्टेंट है, यानी इसका सीक्वेंस होना बहुत जरूरी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपना एरिया डिसाइड करेंगे, अपने प्रश्न देखेंगे उस एरिया में क्या है, हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं, किस चीज का समाधान ढूंढना चाह रहे हैं, या सिर्फ सवाल देखना चाह रहे हैं, हम उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं सिर्फ, या हम वाकई में एक ऐसा समाधान ढूंढना चाह रहे हैं जिसको हम किसी थ्योरी में परिणित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिसर्च होती है। रिसर्च कंप्राइजेस ऑफ डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएटिंग डेटा, मेकिंग डिडक्शन, कंक्लूजन, टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द हाइपोथेसिस और नॉट। अभी बारे में बताया कि हमने जो अजम्पशन लेकर चले कि ये ऐसा होगा, डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट अच्छा हुआ, डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट खराब हुआ, लोगों से इसको नुकसान हुआ या लोगों से इसको परेशानी हुई, तो समस्याओं को परिभाषित किया पहले और फिर हमने उसका गठन किया कि ये हुआ, ये परिकल्पना है हमारी। अब हम इसकी रिसर्च करने जाएंगे, लोगों से इंटरव्यू लेंगे, आंकड़े एकत्रित करेंगे, पत्र पत्रिकाओं से लेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, परिमाण पर पहुंचेंगे और फिर ध्यान पूर्वक निकालेंगे, परीक्षण करके ज्ञात करेंगे कि क्या हमने ये जो परिकल्पना ली है वो हमारे इन एनालिसिस पर खरी उतर रही है या नहीं, उसको हम रिसर्च कहेंगे। वुडी स्लिंगर और स्टीफनसन की डेफिनेशन वुडी के बाद जो आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो कला की बात करते हैं, कला क्षेत्र में, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट के लिए, यानी ह्यूमैनिटीज के लिए, ह्यूमैनिटीज जो है वो बेहतरी की तरफ, जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाने वाले सारे विज्ञान हैं। बेहतर कैसे बनाए, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, तो हम समाजशास्त्र में या राजनीति शास्त्र में उन समस्याओं को पढ़ते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं कि हम कैसे एक बेहतर समाज की निर्मिति करने जा रहे हैं। तो वेदर दैट नॉलेज एड्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी और इन प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट, तो वस्तुओं, अवधारणाओं, प्रतीकों का जोड़ तोड़ कर उनका सामान्यीकरण के उद्देश्य से, यहाँ सामान्यीकरण से मतलब जनरलाइजेशन, तो जो भी हमने इकट्ठा किया है उसके बाद हमें जनरलाइज प्रिंसिपल भी दे रहे हैं, उनको हम सामान्यीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। तो डिमोनेटाइजेशन का ही एग्जाम्पल जो मैंने लिया उसी को ले लें, तो फिर हम लेंगे कि क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे कारगर साबित होगा कि नहीं, या ये हमें इसके कुछ रिजल्ट मिलेंगे नहीं या नहीं, ये जो है ये जनरलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। जहां पर हम सामान्यीकरण की बात कर रहे हैं तो क्या आगे चलकर इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं, क्या बार बार हम अपनी करेंसी को इस तरह से डिजिटाइज कर सकते हैं, ये सामान्यीकरण की अवधारणा। तो रिसर्च है क्या, ये सर्च फॉर नॉलेज है, ज्ञान की खोज है, एक व्यवस्थित विवेचन है, ये भी हमने पढ़ा, क्रमबद्ध है एक स्टेज के बाद दूसरा। वैज्ञानिक खोज भी एक कला है क्योंकि ये एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है, एक स्किल है। आपको ये सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अगर आप सीख लेंगे तो आपके पास एक कौशल विकास हो जाएगा, आप एक स्टैटिस्टिशियन बन जाएंगे, आप एक रिसर्चर बन जाएंगे, आपके पास कुछ टूल्स आ जाएंगे जिससे कि आप आगे किसी भी क्षेत्र में खोज करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। रिसर्च शोध जो है वो क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, हमारी पिपासा को, हमारी जिज्ञासा को खत्म करती है, किसी समाधान के लिए उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित तरीके से किए जाने वाला खोज है, एक व्यवस्थित पद्धति जिसे सिद्धांत का निर्माण तथा उसका सामान्यकरण किया जा सके, ये हमने डिस्कस कर लिया है। पहले से उपस्थित व दिए गए ज्ञान में वृद्धि के लिए दिया गया एक मौलिक अवदान है। तो जो भी थ्योरीज हमारी ऑलरेडी दी हैं, लोगों ने जो खोजें की हैं, उसमें हम और क्या बेहतरी ला सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च बात करता है। तीन चीजें होती हैं, एक होती है खोज, खोज जो चीज है लेकिन उसके बारे में पता नहीं, लेकिन हमने खोज करके उस चीज को निकाल लिया तो वो तो ज्ञान में वृद्धि हुई। जैसे पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है वो सेंटर है और सूर्य उसके आसपास था या कुछ और, पृथ्वी को सेंटर माना था, लेकिन गैलीलियो और कोपरनिकस के इन्वेंशन के बाद जब उन्होंने टेलीस्कोप बनाया और फिर उन्होंने देखा और बहुत सारी और भी अनुसंधान हुए, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इसमें अपने यहाँ जोड़ किया, तो मेनली गैलीलियो और कोपरनिकस के एक्सपेरिमेंट के बाद जब टेलीस्कोप से उन्होंने देखा तो बताया कि नहीं भाई, पृथ्वी तो सूर्य के आसपास चक्कर चलाती है। तो पूरा एक खोज जो है वो अलग, लेकिन ये तथ्य तो था, इसका सिर्फ हमने खोज की है कि ऐसा होता है। आग थी, दो पत्थरों को रगड़ के निकाला गया, तो आदि मानव ने इसकी खोज की। लेकिन जो इन्वेंशन होता है वो एक टेक्नोलॉजी का यूज से या प्रयोगों से, एक्सपेरिमेंट से, लैब में, बहुत तरीके से हम किसी
इसका आविष्कार करते, एक नई चीज बनाते हैं। आविष्कार और नव प्रवर्तन में अंतर होना भी बहुत आपको पता होना चाहिए। इनोवेशन जो है वो नव प्रवर्तन कहलाता है। तो दोनों में फर्क क्या है, कैसे इसको फर्क करेंगे, अगर कोई बता सकता है तो अभी मेरे को बता दे, नहीं तो मैं इसको एलैबोरेट करना चाहूंगी। कोई इसका जवाब दे सकता है कि नव प्रवर्तन में और इन्वेंशन में, अन्वेषण में क्या अंतर है? अब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, आज हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, हर तरफ जगमगाहट है, गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, तो हम बिना बिजली के रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम बोले फ्लोरेसेंट बल्ब, तो किसने बनाया हमें नहीं पता। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण कार्य, वो एक आविष्कार कहलाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि इसी लाइट का उपयोग हम और अन्य तरीकों से अपने लैपटॉप में उसको एक डिफरेंट बल्ब की तरह यूज करते हैं, घर में हम अगर लैंप में लगाते हैं तो फ्लोरेसेंट बल्ब की तरह यूज करते हैं, आज हम बिजली कम खपत हो उसके लिए हमने नए बल्ब का ईजाद किया है, नव प्रवर्तन जब हम विभिन्न प्रकार के बल्ब, तो जो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये तीन अंतर हमको समझ में आने चाहिए। रिसर्च कहीं ना कहीं इनके बीच का एक चाहे जो सभी चीज को समाहित करता है, उनका हम समझ लेकर और फिर आगे एक नई परिधि में जाने की कोशिश करते हैं, नए आयाम ढूंढने की कोशिश करते हैं और नई बात कहने की कोशिश करते हैं। नाउ ऑल्सो रिसर्च इज गाइडेड बाय अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। एक ये हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है, समस्या क्या है और इसकी आलोचनात्मक अवधारणाएं क्या है, संकल्पनाएं क्या है, क्या हम उनको स्वीकार कर रहे हैं या हमको रिजेक्ट करके चल रहे हैं, उनको मानकर चल रहे हैं या हमको गलत साबित करने जा रहे हैं। और रिसर्च रिटर्निंग इन नेचर भी है कि आज हमने किसी बात की रिसर्च की, आपने अपनी एमए की थीसिस में या एमफिल की थीसिस में या पीएचडी के जरिए, या यूं ही आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपने कोई रिसर्च की, आपने कोई पीस ऑफ स्टडी की, उसके बाद में आपकी रिसर्च पे कोई दूसरा व्यक्ति भी बढ़ा सकता है, तो वो रिटर्निंग इन नेचर है कि वापस आती है और वो वहीं से फिर फीडबैक लेती है। तो आपने अगर वाकई अच्छा काम किया तो लोग उसको पढ़ेंगे, उसे अनुसरण करेंगे और उसी में कोई नए आयाम भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसको रिटर्निंग इन नेचर भी कहते हैं। सिस्टमैटिक मेथड कंसिस्टिंग ऑफ इनिशिएटिंग द प्रॉब्लम, एक व्यवस्थित प्रक्रिया, ये हम बात कर चुके हैं, परिकल्पना का गठन, ये सारी बातें हम बात कर चुके हैं। अल्टीमेटली सबसे पहले हम प्रॉब्लम बताते हैं, फिर प्रॉब्लम के बाद परिकल्पना का गठन करते हैं, फिर आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं उसके लिए, फिर जो आंकड़े हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, फिर उससे निष्कर्ष या समाधान निकालते हैं, फिर अपनी थीसिस या थ्योरी बनाते हैं, जो भी हम कहना चाह रहे हैं उसकी बात करते हैं। इस बीच में कहीं ना कहीं हम अपनी परिकल्पना को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं और फिर अपनी बात को मजबूती से कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम परिकल्पना बनाए ही, परिकल्पना नहीं भी है तो भी हम थ्योरी के आधार पर रिसर्च को कर सकते हैं, हम इस थ्योरी को खारिज करने जा रहे हैं या इस हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। नाउ रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके शोध के उद्देश्य क्या है, शोध के जो उद्देश्य है ये टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चन। हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च, हम कुछ खोजना चाह रहे हैं, है ना, वैज्ञानिक विधियों द्वारा हम अपने सवालों के हल ढूंढना चाह रहे हैं। दूसरा, हम प्रक्रिया के बारे में समझ विकसित करना चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया ऐसी है। मान लीजिए किसी ने रिसर्च की, उसने कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए हैं, तो उसको पढ़कर हम एक और वैसी की रिसर्च रेप्लीकेट भी कर सकते हैं। सेम मान लीजिए हम गांव की व्यवस्था के बारे में जा रहे हैं, तो किसी व्यक्ति ने एक गांव को लेकर के एक अपनी स्टडी की अर्थशास्त्र में कि रूरल पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग जो श्रमिक हैं वो ज्यादातर अनपढ़ होते हैं और उसके लिए कोई उसने स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाई है, तो वो दूसरे गांव में भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात कि ये किसी व्यक्ति विशेष स्थिति अथवा समूह की सही वर्णनात्मक अनुसंधान यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो हम एनालिटिकल भी कर सकते हैं, हम व्याख्यात्मक रिसर्च भी कर सकते हैं, जहां पूरा व्याख्या करके और चीजों को ढूंढे, तथ्यों को ढूंढे, जैसे कि ज्यादातर जर्नलिज्म में होता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार, पत्रकारिता के अंतर इस तरह की रिसर्च की जाती है। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग फिर फिजिक्स में या एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं, जैसे साउंड वेव्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितनी बार कोई वो आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी बारंबार तक कितनी बार कोई चीज हो रही, किसी चीज की होने की संभावना क्या है। डिमोनेटाइजेशन का ही लिया था अभी हमने, तो कब कब हमने डिमोनेटाइज की है, डिमोनेटाइज तो नहीं किया लेकिन हमने करेंसी को वो किया है, डिमोनेटाइज एकदम से नहीं किया लेकिन धीरे 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 किया है,
लोगों को बता कर किया। इस बार की जो डिमोनेटाइजेशन है वो निश्चित तौर से एक सडन एक वो था, एक अचानक होने वाली चीज थी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहले प्रयास नहीं हुए। पहले भी प्रयास हुए, मोरारजी देसाई के समय हुए, उसके बाद हुए और फिर ये हुआ है और आगे भी हो सकता है। क्या है, क्या बार बार होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई फायदा हुआ? तो कितनी बार कोई चीज हो रही है, लेकिन इस तरह की जो रिसर्च है ज्यादा क्लिनिकल साइंसेज में यूज होती है, डॉक्टर्स के लिए डायग्नोस्टिक रिसर्च में यूज होती है, जहां पर लक्षण के आने के कारण वो ये तय करते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। तो लक्षण यदि बार बार आ रहे हैं तो उन चीजों का वो करते हैं। ये क्लिनिकल रिसर्च में इसका ज्यादा उपयोग होता है, इस उद्देश्य का लेकर चलते हैं। दूसरा उद्देश्य जो है कि वेरिएबल्स के बीच में कारण और संबंध, ये अर्थशास्त्र में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि क्या बारिश होने से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बढ़ रहा है क्या, या बारिश होने से और दूसरी चीजें हो रही हैं या कम हो रहा है। तो ये कारण संबंध है, बारिश नहीं होती तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ती, हमारे जो खाद्यान्न है, खाद्यान्नों का जो उत्पादन नहीं कल्पना लेकर चल सकते। तो यहाँ पर हम कारण और संबंध का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। दूसरा है कि टू नो वॉट हाउ एंड वाई समथिंग इज हैपनिंग, क्यों हो रही है कोई चीज, ऐसी प्रक्रिया जो घटित हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे घटित हो रही है और क्यों घटित हो रही है। तो क्या ये घटित हो रहा है, पहले तो ये कैसे घटित हो रहा है, प्रोसेस क्या है, उसको जानने की हमारी जिज्ञासा, उस उद्देश्य से हम रिसर्च करें, और क्यों घटित हो रहा है, इस उद्देश्य से भी हम कोई एक पीस ऑफ रिसर्च या अनुसंधान या अन्वेषण कर सकते हैं या शोध कर सकते हैं। इसके प्रकार क्या है, डिस्क्रिप्टिव जिसे वर्णनात्मक रिसर्च, वर्णनात्मक नहीं है, यहाँ वर्णनात्मक रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव और व्यवहारात्मक रिसर्च, बिहेवियरल या एनालिटिकल हम जिसको कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, और फिर उसके बाद है अप्लाइड और फंडामेंटल, प्रायोगिक और मौलिक, परिमाणात्मक और गुणात्मक, परिमाण मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटीज के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, और क्वालिटेटिव यानी कि हम गुणों का सिर्फ विश्लेषण करते हैं, विख्यात्मक जो हो जाता है कि हम उसके गुण पर बात करते हैं ना कि उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पेरिकल, जहां हम कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, मार्क्स के सिद्धांत की बात कर रहे हैं और फिर अपनी बात को कह रहे हैं और मार्क्स के सिद्धांत पर अपनी बात को खरी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी जो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी है कि कैसे समाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, एक सरल समाज से हम कॉम्प्लेक्स समाज की तरफ बढ़े, तो ये जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज हैं उन पर अपने प्रयोग करना चाह रहे हैं और अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल कहलाएगा। एम्पेरिकल यानी हम ऑब्जर्वेशन से, हम कोई ऑब्जर्वेशन लेकर और फिर रिसर्च करने जा रहे हैं। ज्यादातर साइंसेज में एम्पेरिकल रिसर्च होती है, जैसे आपने लेबोरेटरी में आप माइस के ऊपर किसी वैक्सीन का, रैट्स के ऊपर प्रयोग करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये वैक्सीन जो है ये सही है, तो आप पहले प्रयोग करके उस तथ्य को पहले स्पष्ट करते हैं या प्रूव करते हैं और फिर आप उसको लागू करते हैं। उस तरह की जो रिसर्च है वो एम्पेरिकल रिसर्च कहलाती है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च बताई वो किस तरह की होती है, सर्वे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरेटिव भी हो सकती है, कोरिलेशन सहसंबंध का भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो विश्लेषणात्मक रिसर्च है इसमें हम फैक्ट्स, तथ्य को लेकर करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेकर करते हैं और उनको हम एनालाइज करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और उनको हम विश्लेषण करते हैं उनका, और फिर एक उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसको हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। ज्यादातर आर्ट सब्जेक्ट्स में जब हमारे पास डेटा नहीं हो तब हम इस तरह की रिसर्च करते हैं और इसमें इसको भी हम शोध कह सकते हैं। उसके बाद अप्लाइड एक्शन रिसर्च जो व्यवहारात्मक रिसर्च है, एनजीओज जो होते हैं सोसाइटी में, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए अब हम एनजीओ जो काम करते हैं वो ज्यादातर एक्शन रिसर्च का काम होता है कि कितने लोग गरीब हैं। तो अगर वो एनजीओ काम करने जा रहा है किसी गांव में, तो अगर इतने गांव में हम इस तरह की स्कीम लगाएंगे, उनको इस तरह की देंगे तो शायद स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग से स्किल डेवलपमेंट होगा और स्किल के बाद हो सकता है वो रोजगार लाइफ वो हो सके, अगर अवसर मिलते हैं तो वो खुद अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरह की जब रिसर्च करके इसका हम डेटा इकट्ठा करें कि क्या ऐसा करने से ऐसा होगा और हम किन गांवों में इस तरह की ट्रेनिंग हमको देना चाहिए, उस तरह की रिसर्च होगी तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है, एक्शन रिसर्च कहलाती है। इसमें मार्केटिंग रिसर्च भी आ जाता है, इवेल्युएटिंग रिसर्च भी आता है और इसमें हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी अभी तक की चीजें हो रही हैं, जितने भी अपने प्रोग्राम्स चल रहे हैं आर्थिक
खासकर अर्थशास्त्र में जितनी भी आर्थिक नीतियां लागू की कि उनका इफेक्ट क्या हुआ है, क्या वाकई में मनरेगा का इफेक्ट लोगों को हुआ है, लोगों को जीविका के साधन उपलब्ध हुए हैं, क्या वो जीविकाएं अपनी बढ़ा पा रहे हैं, तो इस तरह की रिसर्च अप्लाइड में आती है। फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक या प्योर रिसर्च जो है वो जनरलाइजेशन से कंसर्न है, मौलिक है, ये प्योर रिसर्च है। और इसमें हम एक नेचुरल फेनोमेना की बात करते हैं कि बारिश जब होती है तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं उनके ध्रुव में ये हो रहा है, इसके कारण ऐसा होता है। ज्योग्राफी में जो हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं कि जब तमिलनाडु या जो सदर्न राष्ट्र है हमारे, सदर्न राज्य है सॉरी, वहां पर जो बारिश होती है दिसंबर के महीने में होती है, तो वो वाली जो विंड्स आती है वो कहाँ से आती है। तो इस तरह की जो है वो किसी ना किसी अवधारणा पर है जो नेचुरल फेनोमेना है ऑलरेडी, और फिर उस पर हम जाने कि अगर ये हवाएं टाइम आएंगी उसको हम बचाव कैसे करें, उसके लिए हम साधन क्या जुटाएं, उसके लिए बेहतरी के लिए हम क्या करें, वो रिसर्च कहलाएगी। लेकिन वो फेनोमेना तो वहां मौजूद है। इसी तरह मैथमेटिक्स में ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये एक तथ्य है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फेनोमेना, इसका हम उपयोग करके हम कुछ चीज निकाल सकते हैं। तो ये एक तथ्य है या एक नेचुरल फेनोमेना है जो है, फिर हम उसका मौलिक है और उसका प्रयोग हम रिसर्च में करते हैं। तो ये भी रिसर्च का एक प्रकार है। दूसरा है रिसर्च, अभी जैसे मैंने बताया, जहां हम क्वांटिटी में चीजों को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जैसे कि आपसे जनसंख्या के जितने भी समंक हैं, चाहे वो आपके सेंसस के जरिए हम इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जनसंख्या ऐसी चीज है कि हम किसी को गिनना छोड़ नहीं सकते। भारत की जनसंख्या इतनी है, हमको हर एक इंडिविजुअल के पास जाके गिनना होगा उसको, तब भारत की जनसंख्या को हम गिन पाएंगे। इसलिए हम वहाँ पे सेंसस मेथड इस्तेमाल करते हैं, सैंपल का इस्तेमाल नहीं करते। तो जो डेमोग्राफिक स्टडीज हैं, जो जनसंख्या से रिलेटेड स्टडीज हैं, हमारी हेल्थ कंडीशन की स्टडीज हैं कि क्या हम हेल्थ कंडीशन का हम विकास कैसे करें, इन इन सुविधाओं को देने से क्या हमारी हेल्थ कंडीशन और अच्छी हो जाएगी, हमारे गांवों का जो स्वास्थ्य का जो स्थिति है वो बदल जाएगी अगर हम इतने और मैटरनिटी होम्स खोल देंगे या इतने क्लिनिक्स खोल देंगे या इतने डॉक्टर्स ला देंगे, तो इस तरह की। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वेस की जो है कि लोगों की आय बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके सर्वे हम करें। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो सैंपल्स इकट्ठा करता है पूरे वृहत लेवल पर पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो वो व्यय और आय संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करता है, गरीबी के आंकड़ों को इकट्ठा करता है, क्योंकि पूरे लोगों से जाके ये नहीं देखा जा सकता। सेंसस में तो हमें गिनना पड़ेगा लेकिन हर किसी के पास नहीं जा सकते, तो वहां पर हमें एक सैंपल लेना पड़ता है और फिर वो सैंपल सर्वे का लेकर के वो इनकम और एक्सपेंडिचर के सर्वे वो करते हैं। और हमारी ओपिनियन, लोगों की किसी चीज के बारे में क्या ओपिनियन है, डिमोनेटाइजेशन के बारे में अगर हमने बोला और हमने एक सर्वे किया, आपको एक हमने एक सवाल दिया कि आप सर्वे करके आइए कि कितने लोग इसके पक्ष में कितने लोग इसके पक्ष में नहीं, तो ये एक ओपिनियन की बात है कि आपके आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर के, आपके विचार क्या है। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें बहुत की रिसर्च आती है, मोटिवेशन रिसर्च, बिहेवियरल रिसर्च, यानी कि ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है, इंसान का एक अपना एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार सा सोचते हैं लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन लाने के लिए क्या किए जाने चाहिए, तो हम ऐसे क्या सुधार करें कि लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए आएं, अगर ट्रेनिंग देते हैं तो क्या लोग आएंगे, क्या लोग स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे, तो क्या भारत में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी अगर हम बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट वाले कॉलेजेस खोल देंगे, या हम अपने पाठ्यक्रम में सुधार करके स्किल बेस्ड कोर्सेज कंप्यूटर या इस तरह के कोर्सेज को लगाएंगे, तो क्या वो रोजगार उन्मुखी हो पाएंगे, क्या बच्चों में वो स्किल डेवलप हो पाएगी। तो ये क्वालिटेटिव, ये गुणात्मक रिसर्च कहलाएगी, और इसको हम एटीट्यूड या ओपिनियन रिसर्च भी कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम हमारी उसके बारे में विचार क्या है और ओपिनियन क्या है हमारा। कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो कंसेप्चुअल, जो मैंने बताया कि जो थ्योरीज हैं, ये बड़ी बड़े सिद्धांत जो लोगों ने दिए हैं बहुत साल से, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र में, तो लगभग 160 साल के बाद कार्ल मार्क्स के बाद ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं आया बड़े तौर पर जिसको हम अब कक्षा में पढ़ाएं, तो कार्ल मार्क्स का ही आता है और बाकी सिद्धांत मतलब थ्योरीज आई हैं, लेकिन जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो बात करता है, द्वंद्वात्मक समाज की जो बात करता है, उस तरह का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के बाद, जो सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में हर जगह इस्तेमाल होता है, उसके बाद कोई इतना बड़ा विचारक नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़े बड़े सिद्धांत बड़े बड़े खोज के बाद आते हैं, तो वो रिसर्च नहीं होती, लेकिन
हम उनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम रिसर्च कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, यानी हम कोई ना कोई प्रयोग करते हैं, हम लैब्स में कर सकते हैं, उनको हम बाहर जाकर कर सकते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर हम तथ्यों को उजागर करने की कोशिश करते कि देखिए हमने ये प्रयोग किया, ऐसे ये निकली, इसका मतलब जो हम कहने जा रहे हैं अपनी बात वो हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत दूसरे तरह की रिसर्च है, जिसमें आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है जो होती है, वो जब हम उत्खनन से चीजें निकलती हैं, डॉक्यूमेंट से, रिकॉर्ड से, पुराने से चीजें जो मिलती हैं, ऑब्जेक्ट से, लाइब्रेरी से, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, या हम ऐतिहासिक चीजों को लाते हैं और फिर इतिहास बताना कि उस जमाने में ये होता होगा। जैसे कि कोई सीली, तो ये तय किया गया कि मेसोपोटामिया और भारत के लोग व्यापार करते थे आज से 4000 साल पहले, क्योंकि वो सील मेसोपोटामिया में भी मिली, भारत में भी मिली। तो ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च हुई। और क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक रिसर्च, ये हम चर्चा कर चुके हैं, जहां लक्षण के आधार पर हम क्या करते हैं कि क्या ऐसी चीज है और फिर उसमें आगे खोज करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वो एक्सप्लोरेशन को लेकर होती है, कि हम ज्यादा से ज्यादा खोज करते जा रहे हैं, चीजों को निकालते जाते हैं और फिर किसी समाधान पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर समाधान देने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत तरीके सच है जो अदर्स में हम ले सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेप्स क्या होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के, या अनुसंधान के, या शोध के विभिन्न जो स्टेजेस हैं, स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं, हमको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, पानी क्यों बरस रहा है, लोग ही क्यों हैं, लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, अगर ये सवाल ही हमारे दिमाग में नहीं आते, इसका मतलब हम अपने समाज में बिना ऑब्जर्वेशन के चुपचाप जी रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जब हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, कुछ चीजों का क्यूरियोसिटी पैदा होती है, एक जिज्ञासा पैदा होती है, और फिर हम एक दिमाग में आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल अगर हमारे दिमाग में आया, तो वहां हम पहले अपने सवालों को व्यवस्थित करते हैं, क्वेश्चन अपने दिमाग में बनाते हैं, और फिर उस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि क्या इस पे साइंटिफिक हेड लगाकर हम इसका जवाब ढूंढ सकते हैं, और फिर उसके लिए हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर उसके हम एक्सपेरिमेंट्स या डेटा लगाकर उसको प्रूव या डिसअप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और फिर उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जो प्रकार है, प्रोसेस जो है पूरा, कि पहला स्टेज क्या है, दूसरा स्टेज क्या है, तीसरा स्टेज क्या है, रिसर्च एक व्यवस्थित तरीके से ही की जानी चाहिए। आप ऐसा कर ला और फिर सोच रहे हैं हमें आंकड़े मिल गए तो अब हम अपनी इस प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, और नॉर्मली लोग ऐसा करने लगते हैं, जब एमफिल की थीसिस लिखेंगे तो आप बोले अगर हमें इसमें डेटा मिल रहा है तो अब मैं इस प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम क्वेश्चन बना। ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले हमें अपने क्वेश्चन को डिफाइन करना होगा, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा, जो पहला स्टेज है। फिर हम उसका कॉन्सेप्ट रिव्यू, जो सेकेंड स्टेज है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड थियरीज को लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। किसी भी शोध में, अनुसंधान, बिना लिटरेचर रिव्यू के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमें नहीं पता है कि इसमें और किन लोगों ने अपना योगदान दिया है, किन किन लोगों ने क्या बातें कही हैं, इससे संबंधित क्या अवधारणाएं हैं, आप गरीबी पे रिसर्च करने जा रहे हैं तो गरीबी में किन लोगों ने क्या थ्योरीज दी है, जब तक आप दांडेकर और रथ का नाम नहीं पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में, आप गरीबी की प्रॉब्लम को के अंदर रिसर्च नहीं कर सकते। या आपको नहीं पता है कि भारत में नॉर्म्स क्या तय किए गए थे, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनके लिए कैलोरी नॉर्म था, उनके लिए प्रति व्यक्ति वाला आय का नॉर्म था। तो अगर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी और आप ये नहीं पता है, तो आपको पहले लिटरेचर का रिव्यू करना पड़ेगा। जो भी लिटरेचर है, जो भी साहित्य है, उससे संबंधित जो आपकी समस्या है, आप इसको रिव्यू करिए, चाहे वो अर्थशास्त्र में हो, चाहे वो साहित्य समाजशास्त्र, चाहे वो साइंसेज में हो, आपको सबका ज्ञान पहले आप एकत्रित करेंगे। इसीलिए जब एमफिल की थीसिस, पीएचडी का कार्य किया जाता है, तो जो सेकेंड बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो आपको थीसिस करवा रहा है, जो आपका गाइड है, जिसके मार्गदर्शन में आप अपना शोध कर रहे हैं, वो सबसे पहले कह रहे हैं कि आप पहले इससे रिलेटेड सारा ज्ञान पढ़ के आइए,
और उसको सीक्वेंशियली उसको क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करिए, यानी कि पहले किसने क्या कहा, फिर सेकंड किसने क्या कहा, फिर किसने क्या कहा, और जब आपको इसकी सारी बात का नॉलेज हो जाएगा तब समझेंगे कि अच्छा ये बातें इसमें ऐड हो चुकी हैं, ये समस्या का समाधान लोगों ने पहले कर चुके हैं और अब हम इस समस्या को नए तरीके से कैसे देखेंगे, हम खोज करने के बाद निष्कर्ष जब निकालेंगे तो हम अपनी बात को कैसे करेंगे, तभी आप कह सकते हैं जब तक आपको पूरे लिटरेचर का ज्ञान नहीं हो। ये एरिया बहुत बड़ा है और इस पर सबसे ज्यादा टाइम लगाया जाना चाहिए। तीसरा जो है हाइपोथेसिस को डिफाइन करना, हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन एक ये एक प्रेक्षित तौर पर मैं आप लोगों को दूंगी पीजी के स्टूडेंट्स को, आप कुछ सवाल इकट्ठे कर लीजिए, उन सवालों को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, डायरी में नोट कर लीजिए और फिर उस पर अपनी परिकल्पनाएं बनाइए, ऐसे तौर पर आपको बहुत मजा आएगा। तो अगर आप परिकल्पना कैसे बनाएंगे इसको सीख लेंगे तो फिर आपको अपनी रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो आप बहुत सारे 8-10 सवाल आप कोशिश करिए और फिर परिकल्पना ऐसा नहीं हुआ कि आधे पेज की होगी या एक पेज की होगी, वो एक या दो सेंटेंस में अपनी बात कहेगी, आप एक उपकल्प लेके चलेंगे, ये जो तथ्य है ये ऐसा है, वैक्सीन लगाने से, पोलियो वैक्सीन लगाने से भारत में पोलियो का इरेडिकेशन, पोलियो की समाप्त हो गई, ये एक परिकल्पना है, इससे ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए। तो परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर रिसर्च डिजाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इसमें ये तय किया जाता है कि हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, सेंसस मेथड ले रहे हैं कि सर्वे मेथड ले रहे हैं। अगर आप सर्वे मेथड ले रहे हैं या आप सैंपल मेथड ले रहे हैं, सेंसस मेथड किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है आप लोग जानते होंगे, सेंसस वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हर एक समंक जनसंख्या का उसका सम्मिलित होना जरूरी है, इसलिए जनसंख्या की जनगणना में हम सेंसस मेथड अडॉप्ट करते हैं, हम किसी व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते तो हम एक्चुअल पॉपुलेशन काउंट नहीं कर पाएंगे, तो हमें हर एक इंडिविजुअल के पास जाके उसको गिनूंगा, वो हुआ सेंसस मेथड। दूसरा होता है सैंपल मेथड, यानी कि जो पॉपुलेशन है, अब वैक्सीन वाली जो बात की थी हमने, तो हमको इसका प्रयोग करना है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप एमए या एमफिल के विद्यार्थी हैं तो आप जाएंगे और पूरे इंडिया में जाके के हर एक घर में जाके देखेंगे कि उसको वैक्सीन लगा कि नहीं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो आप एक नमूना लेंगे, एक सैंपल इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, अब वो नमूना क्या होगा, किसी आप जिस स्टेट में रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जिस गांव में रहते हैं वहां के, हो सकता है कि राज्य लेवल पर बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो आपको 4 डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, उन 4 डिस्ट्रिक्ट में आप 4 गांव तहसील लेंगे, 4 तहसील में आप 4 गांव और 4 गांव में भी आप, हो सकता है 10-10 हर गांव में परिवार ले लें और फिर तय करें, तो आप नमूना लेकर और फिर उनसे बात करें और अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो वो होता है सैंपल मेथड। ये उसी तरह से जैसे हंडिया में सीथ को टटोया जाता है, जब चावल पकता है तो आप सारे चावलों को नहीं देखते कि वो पक गया है कि नहीं पक गया, एक चावल को निकाल कर आप इस बात का निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि चावल कच्चा है या वो पका है, उसी तरह से सैंपल को हम पूरे समग्र यूनिवर्स में से निकालते हैं, उसमें उस यूनिवर्स के सारे लक्षण होते हैं क्योंकि वो वहां से निकल कर आया है, तो उसके आधार पर ये बात मानते हुए क्योंकि उसमें उसके सारे लक्षण होंगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हम उस सैंपल को लेकर फिर अपने सैंपल मेथड से करते हैं। तो डिजाइन रिसर्च जो होता है, जो चौथा एरिया है डिजाइन रिसर्च जो है, वो ये बताता है कि सैंपल के प्रकार कौन से होंगे, अब कौन से सैंपल आप चयन करेंगे ये भी बड़ी समस्या है, तो जब तक आपको रिसर्च के नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, टेक्निक का ज्ञान नहीं, तो आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा, लोगों ने उसमें क्या प्रयोग किए, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आप स्तरित सैंपल लेंगे या गैर स्तरित लेंगे, प्रायिक विधि अपनाएंगे, गैर प्रायिक विधि अपनाएंगे, बहुत सारी विधियां हैं सैंपल की, तो ये डिजाइन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सांख्यिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम डेटा का संग्रहण करेंगे, कलेक्शन करेंगे, डेटा का संग्रहण करने जाएंगे, हम 10 हाउसहोल्ड जो हमने बोले थे गांव में जितने लोग रह रहे हैं 10 परिवारों में जाके डेटा इकट्ठे करेंगे और फिर उनसे हम सवाल पूछेंगे, उनका क्वेश्चनेयर बनाएंगे या दूसरे तरह से कोई और भी चीज हो सकती है, उनसे पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, मेल पे कर सकते हैं और भी तरीकों से कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद, संग्रहण करने के बाद उस डेटा को सबसे पहले एडिट करना होगा, एडिट करने के बाद उसको फिर व्यवस्थित करना होगा, टेबल में बनाना होगा, फिर हम एनालिसिस करेंगे डेटा का, यहाँ पर तो हम ये कौन सा वाला सैंपल कर रहे हैं उसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे कि टेक्निक्स लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, अगर टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है,
आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में या पढ़ाया जाएगा, उस टेस्ट के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे और फिर आप इंटरप्रेट करेंगे और फिर रिपोर्ट बनाने जाएंगे। इंटरप्रिटेशन जो होगा उससे आप कंक्लूजन निकालेंगे अपनी रिसर्च का, उससे आप सारे निर्णय निकालेंगे और उन निर्णय के आधार पर आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसमें इसका फीडबैक है यहाँ पर, ये वापस जाती है इंटरप्रेट करने के बाद या कंक्लूजन निकालने के बाद। कोई और उसमें काम करना चाहेगा तो वो आपकी रिसर्च लेकर फिर से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करेगा, लेकिन जो वो पहले स्टेज करेगा तो उसकी डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन से अलग होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये फीडबैक जो है, ये फ्लो फीडबैक जो दिखाया गया है, ये चार्ट पे दिखाया गया है। दूसरा फॉर्मुलेटिंग, पहला इसी को हम विस्तृत रूप में जानना चाह रहे हैं। ये सारी बातें मैंने बता दी, ठीक है। तो पहला जो स्टेज था फॉर्मुलेटिंग ऑफ द रिसर्च, इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला कि हम प्रॉब्लम को, समस्या को समझ लें और करें, परिभाषित करें, उसको व्याख्या करें उसकी समस्या की, ये बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप होगा कि हम एक्सटेंसिव लिटरेचर करें। ये मैंने बता दिया, बहुत डिटेल में बता दिया है कि एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे हमको करना पड़ेगा। साहित्य जितना भी इसके बारे में, जितना भी लिखा पड़ा है लोगों ने, वो हम उसको पढ़ डालें, चाहे वो हम लाइब्रेरी में जाके करें, सर्वेस करें, सॉरी आपके विभिन्न सोर्सेस, टेलीविजन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इनके जरिए से हम बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निर्माण जो है वो हम करेंगे। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान का अभिकल्प यानी कि एक्सप्लोरेशन, खोज, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, ये जो है ये चार पर्पज है रिसर्च के, कि खोज के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के, उसका उल्लेख करने के लिए भी रिसर्च की जाती है। मार्क्स की थ्योरी का उल्लेख करने के लिए कर सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी का उल्लेख करने के लिए भी हम रिसर्च कर सकते हैं। डायग्नोसिस पहचान के लिए क्लिनिकल रिसर्च में मैंने बताया, इसके लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि ये चीजें बार बार होती हैं। स्वाइन फ्लू जब आया था तो लोगों में ये लक्षण हो रहे थे, तो लोगों ने कैसे निकाला, स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन बनाई होगी वो बिना पहचान और उसकी डेटा एकत्रित किए वो नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने पहले पहचान, लक्षण देखे, लोगों में ये लक्षण होते हैं इसलिए स्वाइन फ्लू है। तो इस तरह की प्रयोग की फिर उन्होंने रिसर्च करके और फिर एक वैक्सीन का निर्माण किया। एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग से भी हम करते हैं, प्रयोगशालाओं में हम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटीज में हम प्रयोग नहीं कर सकते, हम आर्ट्स में भी कर सकते हैं। साइंसेज में तो हम प्रयोग प्रयोगशालाओं में करते हैं, आर्ट्स में भी हम प्रयोग करते हैं। हम जाके समाज में जाके प्रयोग करके अपनी रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल डिजाइन, जो मैंने अभी बताया। ये बहुत बड़ा एरिया है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया और सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है हमारे रिसर्च इंक्वायरी का। डिजाइन यानी कौन सा सैंपल लेंगे, जनसंख्या कितनी होगी तो कितने सैंपल चुनेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात बताना जरूरी है कि यूनिवर्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है। यूनिवर्स यानी जैसे ब्रह्मांड है, वही यूनिवर्स है जिसमें सब कुछ समाहित है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, अगर हम कोई चीज गरीबी के बारे में बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था उसका यूनिवर्स हो गई, समग्र हो गया। अब पॉपुलेशन क्या है, अब हम इतने बड़े लेवल पे बात नहीं कर, 10 सालों में कम हुई है। हमारा सवाल ये है, हमारा प्रश्न ये है, पॉपुलेशन क्या होगी, मध्य प्रदेश की जनसंख्या। तो हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। हमको तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। और फिर सैंपल क्या, अब आप मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या हर व्यक्ति के पास जाके नहीं कर सकते, तो आप फिर सैंपल लोगे, आप एक डिस्ट्रिक्ट, चार डिस्ट्रिक्ट का चयन करोगे, डिस्ट्रिक्ट में से जो भी आप, अगर तहसील लेवल स्टडी करना चाह रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टडी करना चाह रहे हैं, स्टेट लेवल स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो सैंपल होगा। उन सैंपल का चयन क्या होगा और साइज क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका यानी कितने लोगों से आप उसका परीक्षण करेंगे, तो साइज जो है वो प्रोपोर्शनेट होती है जनसंख्या के आधार पर। जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उसके प्रोपोर्शन में ही सैंपल का साइज भी लिया जाएगा, उसके अनुपात में उसका साइज लिया जाएगा। प्रिपेयरिंग अ सैंपल डिजाइन यानी प्रतिदर्श डिजाइन का अभिकल्प जो है कितने तरह के होते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। 1:10 तक हमारे पास समय है, तो 10 मिनट में प्रश्नोत्तर के लिए रखूंगी। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, प्रतिदर्श की विधियां क्या है। जब सैंपल डिजाइन हम करने जाते हैं तो यूनिवर्स जो होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, आप इनकी गणना कर सकते हो, नहीं कर सकते, इन्फिनिटी है, ये इनफाइनाइट है, आप कोई नहीं बता सकते कि कितने तारे इस ब्रह्मांड में हैं। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि कितनी वायरस हमारी बॉडी में है, वो भी इनफाइनाइट है। तो टाइप ऑफ यूनिवर्स क्या है, यानी कि जो हम यूनिवर्स ले रहे हैं वो किस तरह का, उसका प्रकार क्या है, वो किस तरह का है, उसके आधार पर हम सैंपल का चयन करेंगे। फिर सैंपलिंग यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो उसमें हम
डुप्लीकेट देना होगा कि हमने कौन सा राज्य लिया है, राज्य में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ली है, डिस्ट्रिक्ट जिला में फिर हमने कौन सी विलेज लिया है, विलेज में हमने कौन सा स्कूल लिया है, स्कूल में हमने कौन सी क्लास ली है, और फिर हम उस क्लास के बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या उनकी गणित की जो उनके मार्क्स आए हैं रिजल्ट में वो उनकी पढ़ाई से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, कि क्लास में उनका एनरोलमेंट उनकी उनके रिजल्ट को बढ़ाता है। जैसे वर्चुअल क्लास का मैंने बताया कि आपका वर्चुअल क्लास में आना क्या आपके रिजल्ट को और ज्यादा प्रभावी बनाता है, इसका भी हम कर सकते हैं। तो उसका सैंपल लेंगे, तो अगर मध्य प्रदेश सरकार ने ये डिसाइड किया है तो हर एक स्टूडेंट से जाके वो नहीं पूछे, वो एक सैंपल लेगी, छिंदवाड़ा के दो कॉलेजेस से ले लिया, इंदौर के एक कॉलेज से ले लिया, हरदा के दो कॉलेज से ले लिया, भोपाल के दो कॉलेज से, और उसमें भी फिर वो दो कॉलेजेस में भी वो सारे बच्चों से नहीं पूछ सकती, तो उनमें भी अगर 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो उसमें वो का सैंपल वो डिसाइड कर लेगी और फिर तय करेगी। क्यों सैंपल लेते हैं? क्योंकि सैंपल वो चीज है जिसमें वो राज्य को भी बिलोंग कर रहा है। आप एज ए स्टूडेंट किसी का भी नाम यहाँ ले सकते हैं जो आज अटेंड कर रहे हैं वर्चुअल क्लास, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप उस कॉलेज में उस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, उस शहर को बिलोंग करते हैं, शहर के बाद डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट को, स्टेट के बाद नेशन को, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी जगहों से ली गई है। तो जो सैंपल की जो विशेषताएं हैं वो सारी समग्र की विशेषताओं भी दिखाती हैं, सारी नहीं दिखा सकती लेकिन कुछ विशेषताएं वो लेकर जरूर अपने साथ आता है, इसीलिए हम वहां पर उसको टेस्ट करते हैं और फिर अपनी बात को जनरलाइज या उसको सामान्य की तरफ ले जाते हैं। इसके जो मेथड्स हैं सैंपलिंग के, ये दो में डिवाइड होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। इतना ही कर पाएंगे, इसके बाद मुझे अपनी बात खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि आज प्रेजेंटेशन तो बहुत बड़ा है, और लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी इसको बात करके हम खत्म करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, किसी इवेंट घटना की होने की संभावना, उसको हम प्रायिकता कहते हैं, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग प्रायिकता क्या कहलाती है, या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या कहलाती है, तो जहां पर हम ये करते हैं कि ये घटना जो है उसको हम चांस को हम लेकर चल रहे हैं, हम सैंपल ऐसा ले रहे हैं कि हम उसमें उसको किसी तरह की ये छूट नहीं दे रहे हैं, हम बिना जाने जाके रैंडम सैंपल ले रहे हैं। हम वापस अपने उदाहरण पर आते हैं जो हमने सर्वे किया वर्चुअल क्लास के लिए, तो हमने जो 50 बच्चों का जो एक सैंपल इकट्ठा किया हर एक कॉलेज से, उसको हमने बिना पक्षपात किए इकट्ठा किया, सीधे जाके हमने किसी से भी पूछ लिया और कर लिया, और उसको वो 50 बच्चे कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं, वर्चुअल क्लास में हमने ज्यादातर देखा है कि जो बच्चे जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा आते हैं वो अगर वर्चुअल क्लास अटेंड करें तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके मार्क्स 50% से कम आते हैं वो अगर वर्चुअल क्लास का फायदा उठाएं तो उनके रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर पक्षपात आ गया, यानी कि हमने जब हम सर्वे करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो बच्चे जो है वो 50% से कम वाले हों, उन्हीं को हम सर्वे में लेंगे, 50% से ऊपर वाले बच्चों को हम अपने सर्वे में इंक्लूड शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं शामिल कर सकते? क्योंकि वो हमारी बात को प्रूव ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो यहाँ जो प्रायिकता है सैंपल की, हम पर्पोजिव सैंपलिंग कर रहे हैं, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में डेलिबरेट सविचार निदर्शन जो दिया है दूसरे वाले में वो करने जा रहे हैं। तो ये सविचार निदर्शन जो है ये पर्पोजिव है, हम सिर्फ बच्चों का पर्पज से कर रहे हैं डेटा इकट्ठा, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी को बताता है, यानी कि जो चांस है कि वो डेटा जो है वो सैंपल में आएगा वो चांस को हम खत्म कर रहे हैं कि कोई भी जाएगा उसमें, जबकि प्रोबेबिलिटी सैंपल में ये चांस बहुत ज्यादा हावी रहती है कि यहाँ पे चांस नहीं होता है, यहाँ पे धोखे से भी हो सकता है, या धोखे से हम कोई भी उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता आ सकती है। अगर हमने ये बात नहीं कही होती कि 50% नहीं है तो फिर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग वाला मेथड अपनाते, जो पहला है सिंपल दर्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे चांस अकर करने की जो है बच्चे की कि वो वर्चुअल क्लास में जा रहा है उसकी संभावना बहुत, संभावना को हम किसी तरह के अपने पक्षपात से उसको हटा नहीं रहे, जबकि दूसरे में हम उस संभावना को पक्षपात करके हटा रहे। तो प्रोबेबिलिटी को हम हटा रहे इसलिए गैर प्रायिकता कह रहे हैं, और उसमें हम प्रोबेबिलिटी को हटा नहीं रहे, उसके चांस होने की संभावना को पूरा पूरा होने दे रहे हैं, इसलिए हम उसको प्रोबेबिलिटी सैंपल कह रहे हैं। इसके अंदर सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दैव निदर्शन जो कि सिंपल होता है, स्तरित
निदर्शन, समूह निदर्शन, व्यवस्थित निदर्शन, आनुपातिक निदर्शन आता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स या कोटा निदर्शन, फिर सविचार निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन, अनुवांशिक निदर्शन और बहुस्तरीय। इसको भी मैं समझा सकती हूँ हर चीज को एक 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 जाकर, लेकिन मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया है, हमारे पास प्रश्न उत्तर के लिए समय नहीं बचेगा, तो इसलिए हम खत्म करती हूँ। और अगर समय मिला, नेक्स्ट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और सैम्पलिंग के विभिन्न जो है प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी को डिटेल में समझाने की हम कोशिश करेंगे। कोई सवाल हो तो प्लीज अपने सवाल लेकर आइए। बड़वानी में तो कोई ज्यादा नहीं दिख रहा, छिंदवाड़ा में और इंदौर में लोग हैं, हरदा में भी हैं, तो हरदा, चलिए इंदौर। आप बीच में बैठी हैं, आप नोट्स ले रही थी, आपका नाम ब्लू, ब्लू नीले रंग में जो सबसे आगे बैठी हैं, आपका नाम बोलिए। कोई सवाल है कि नहीं, कोई जिज्ञासा आपकी जगत हुई कि नहीं इतना सुनने के बाद? अच्छा ये बताइए कि आप किसी न किसी तरह की खोज या रिसर्च करना चाहेंगे आगे? कितने लोग करना चाहेंगे रिसर्च? कितने लोग रिसर्च करना चाहेंगे? अरे भाई एमए में तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना, एमफिल में भी करनी पड़ेगी, और जो पीएचडी करना चाहता है उसमें तो रिसर्च है ही, पीएचडी रिसर्च ही होती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। बड़वानी सैपलिंग क्या है मैडम? कोटा, कोटा सैम जी, कोटा अभ्यंश निदर्शन जो होता है। अच्छा सवाल है ये, कोटा जो है वो हम किसी लेते हैं, जैसे हमने स्टेट के बारे में बताया, स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट आई, डिस्ट्रिक्ट में फिर हम विलेज में गए, विलेज में हम कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कृषि कितने लोग, गांव के जो लोग हैं कितने लोग कृषि में हैं, कितने लोग व्यवसाय करते हैं, कितने लोग दूसरे काम धंधों में लगे, कितने लोग खुद से स्वरोजगार में लगे हुए हैं, ठीक है? तो इसमें जो है, इसमें हम किस तरह का सैंपल लेंगे, अगर हमें ये देखना है कि लोग किस व्यवसाय में सबसे ज्यादा लगे, हमारा सवाल ये है, तो हम किस तरह का निदर्शन लेंगे? तो हमारा एक तो प्रोबेबिलिटी को हमने हटा दिया क्योंकि हमने पर्पस वहां डिफाइन कर दिया, इसके बाद हमने एक कोटा भी तय कर दिया कि नहीं हम उसमें सिर्फ महिलाओं की स्टडी को करा रहे हैं, तो वो कोटा हो गया। अगर हम बोले कि हम सिर्फ पुरुषों के स्टडी को करने जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे तरह का कोटा सैंपलिंग होगी। तो ये पहले ही सविचार, ये निर्णय पहले ही ले लिया, तो कहीं ना कहीं हमने प्रायिकता को समाप्त कर दिया या गैर प्रायिक हो गए हम, तो प्रोबेबिलिटी को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं क्योंकि हम एक तरफ गहन जा रहे हैं। तो हम सिर्फ महिलाओं की स्थिति कि क्या वे स्वरोजगार में ज्यादा है या कृषि में ज्यादा है मध्य प्रदेश में, इसका हम आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोटा सैंपलिंग कहलाएगी, ठीक है? मैम सर्टिफाइड एंड सिस्टमैटिक, डिफरेंस बिटवीन सर्टिफाइड एंड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड नहीं है वो, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड नहीं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में तो व्यवस्थित रूप से है, लेकिन सिस्टमैटिक सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आता है। सिस्टमैटिक मतलब एक, हाँ सिस्टमैटिक जो व्यवस्थित निदर्शन है वो प्रोबेबिलिटिक, मतलब वहां पर हम कोई चांस नहीं दे रहे हैं, हम रैंडमली चीजों को मान रहे हैं, इस बात की चांस कि ये चीज, ये घटना होगी, ठीक है, हम या नहीं होगी, ये प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जब हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, तो सैंपल में जब हम इकट्ठा करें तो उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हम किसी चांस पर नहीं छोड़ रहे हैं, चांस पर छोड़ रहे हैं, उस पर हम किसी जजमेंट को नहीं लगा, तो हमने चांस पर छोड़ दिया कि हो सकता है कि वो सैंपल हमारे समग्र में आ जाए या ना आए। तो जब हम समग्र सैंपल लेने जाते हैं तो हम उसको चांस पर छोड़ देते हैं कि हमें नहीं पता है कि कौन सा जो लक्षण है वो समग्र से निकलकर उस सैंपल में आने वाला है, ठीक है? तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। तो उसमें प्रायिकता बहुत अधिक है कि उसमें प्रायिकता ये भी हो सकती है कि उसमें औरतें भी आ जाएं, आदमी भी आ जाएं, अशिक्षित भी आ जाएं, गैर शिक्षित भी आ जाएं, निरक्षर भी जाएं, साक्षर भी आ जाएं। लेकिन हम जब कहेंगे कि नहीं हम महिलाओं की स्थिति और उनकी साक्षरता करने जा रहे हैं, तो हमने पर्पस डिफाइन कर लिया, तो हमने उसकी प्रायिकता को कम करने की कोशिश की। तो चांस जो है कि निरक्षर महिला वहां नहीं आएगी,
तो इसलिए चांस कम हो गया, इसलिए वहां पे प्रोबेबिलिटी कम होगी। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बिल्कुल अलग चीज है जो आप पूछ रही हैं, वो स्तरीय है, स्तर है, जो हमने अभी बताया आपको कि हम जो कोटा जैसे होता है उसी तरह से कि हम मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश के बाद सारी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के बाद तहसील की पॉपुलेशन, सारी हम सिर्फ जनसंख्या की बात कर रहे हैं, फिर तहसील की पॉपुलेशन के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के या ब्लॉक या तहसील की बात है, और उसके बाद फिर हम विलेज लेवल। तो ये स्तर यानी लेवल की बात करें किस स्तर पर, तो आपकी स्टडी जो है क्या ये विलेज लेवल स्टडी है, क्या ये ब्लॉक लेवल स्टडी है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टडी है, या आप मतलब हैं, तो हर स्तर पर भी आपको सैंपल इकट्ठा करने होंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पे भी आप पॉपुलेशन कुछ चीजें इकट्ठा करेंगी और विलेज लेवल पे भी इकट्ठा करेंगे, तो वो डिफरेंट स्तर होंगे जिसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिफरेंट स्ट्रेटा में इसमें डिवाइड कर देते हैं, एमपी का अलग, राज्य का अलग, डिस्ट्रिक्ट्स का अलग, ब्लॉक्स का अलग, और फिर विलेजेस का अलग। विलेजेस में भी अगर हम स्कूल की शिक्षा की बात कर रहे हैं तो स्कूल में अगर इसको कर दें, तो ये हो गया स्तरीय, डिफरेंट स्तर पर हम सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, यानी हर स्टेज पर हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू मैम। ठीक ठीक है, और कोई पूछना चाहता है? प्रतिबंधित प्रायिकता किसे कहेंगे मैडम? प्रतिबंधित प्रायिकता, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित जी, प्रायिकता को मैं प्रतिबंध नहीं लगा सकते अपन, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि सिक्का या डाइस है तो वहां वो प्रतिबंधित प्रायिकता है, क्योंकि वो हम डाइस की प्रायिकता की बात कर रहे हैं या सिक्के की प्रायिकता की बात कर रहे हैं, तो प्रायिकता में प्रतिबंध लगा दे तो प्रायिकता खत्म हो जाती है। तो जब हम सैंपल की बात करते हैं तो ये प्रायिकता अलग बात है, और प्रायिकता अपने आप में एक कॉन्सेप्ट अलग है, प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, किसी चीज की होने की संभावना को, लेकिन जब हम सैंपल इकट्ठे करने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम प्रायिकता को आने दें या ना आने दें, आने दे रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नहीं आने दे रहे हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी, गैर प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो जब आप प्रतिबंधित प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो प्रतिबंधित प्रायिकता सैंपल में नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और कोई पूछना चाह रहे हैं? मैम वन मोर क्वेश्चन, एक पोस्ट फैक्टो मेथड का हम यूज कर, मैम एक पोस्ट द फैक्टो मेथड, एक पोस्ट द फैक्टो मेथड इसका यूज हम कहाँ करते हैं मैम? एक्सपोज फैक्टो मेथड नहीं है, एक्सपोज फैक्टो एक टर्म होता है, एक्सपोज फैक्टो यानी किसी जो आपने तथ्य दे लिया उसके आगे की विचारधारा, वो एक्सपोज फैक्टो तथ्य होता है। तो ये मेथड होगा कहते हैं आप, ठीक है, मान सकते हैं कि हमें मेथड है। जैसे अभी लिटरेचर रिव्यू किया तो पोस्ट फैक्टो क्या होगा, यानी कि डीमोनेटाइजेशन का पोस्ट फैक्टो है ना, उसका जो प्रभाव है तो पोस्ट इवेंट है, पहले कोई चीज घटित हुई और उसके बाद में कोई इवेंट का होना, और उन एक तथ्यों को अगर हम एकत्रित करें तो वो एक पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक रिसर्च में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम ज्यादातर मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ये सब निकालते हैं, लेकिन संबंध भी निकाल सकते हैं, लेकिन संबंध की गणना नहीं करते हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में। तो एक्सपोज्ड फैक्टर्स है, बारिश होने के बाद खाद्यान्न में वृद्धि हुई, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो बारिश होने के बाद ही खाद्यान्न में वृद्धि हुई, तो ये एक्सपोज्ड फैक्टर, बारिश के बिना नहीं हो सकता था वो, तो पहली चीज है यानी किसी इवेंट के होने के बाद कोई इवेंट घटित हुआ है। जी कोई और? समय हो गया है, कोई है तो जल्दी से पूछ ले। जी ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद छिंदवाड़ा, हरदा, हमीदिया कॉलेज भोपाल, इंदौर, शाजापुर, बड़वानी,
सभी को मेरा धन्यवाद. बैतूल, थैंक यू सो मच.